रणधीर शर्मा ने कांग्रेसी नेताओं के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की, जिस पर कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर हेलीकॉप्टर के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेसी नेता ये ना बोले कि कांग्रेस सरकार के समय में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अपनी कोर्ट की पेशियों के लिए भी हेलीकॉप्टर के द्वारा ही दिल्ली जाते रहे हैं। इसके अलावा उनके वकील और उनका सामान भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही आता जाता रहा है। इसको हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग कहा जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में जाकर देख लें। रणधीर शर्मा ने कांग्रेसी नेताओं के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की, जिस पर कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर हेलीकॉप्टर के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेसी नेता ये न भूले कि कांग्रेस सरकार के समय में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अपनी कोर्ट की पेशियों के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा ही दिल्ली जाते रहे। इसके अलावा उनके वकील उनका सामान भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से आता जाता रहा। इसको हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग कहा जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने सरकारी दौरे से दिल्ली गए थे और गृह मंत्री अमित शाह से मिले उन्हें अगले माह धर्मशाला में होने वाले इन्वेस्टर मीट को लेकर निमंत्रण देने गए थे और उन्हें केंद्र सरकार से सहायता देने के लिए उन्हें इन्वेस्टर मीट में आने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया। अगर 38 मई अपने साथ भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को साथ ले आए तो इसमें कोई दुरुपयोग की बात नहीं आती। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरिबान में जाकर देखें। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेसी नेता प्रदेश और देश में भाजपा की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता से भी बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जेपी नड्डा का स्वागत हिमाचल प्रदेश में किया गया और जिला बिलासपुर में हुआ, उसको लेकर भी कांग्रेसियों की नींद हराम हो गई है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय बीजेपी का है और हरियाणा में महाराष्ट्र में भी बीजेपी चुनाव जीत कर दर्ज कराएगी और भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जेपी नड्डा का स्वागत जगह जगह पर किया गया, लोगों का भारी उत्साह उनके स्वागत के लिए उमड़ा अपने आप में बेमिसाल है और उनके हिमाचल दौरे से भाजपा कार्यकर्ताओं में नए रक्त का संचार हुआ है। इससे उनके साथ इस मौके पर भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष शर्मा भी मौजूद थे। उमड़ा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी 6 तारीख को दिल्ली गए थे, वो आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले, उन्हें जो हमारी धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट हो रही है अगले माह उसके लिए निमंत्रण देना था, उसके लिए उन्होंने निमंत्रण दिया और इन्वेस्टर मीट में केंद्र सहयोग करे ये आग्रह उन्होंने अमित शाह जी से किया है, इसलिए वो दिल्ली इस सरकारी काम से गए थे। वापसी में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्टेट गेस्ट बने थे, वो उनके साथ आए हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कांग्रेस नेताओं को इस तरह के आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। उनकी सरकार थी, उनके मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी तो अपनी कोर्ट की पेशियां भुगतने के लिए दिल्ली हेलीकॉप्टर में जाते रहे। उनके कार्यकाल में तो केसों को लड़ने वाले वकीलों को लाने ले जाने में हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग होता रहा, इसलिए उनको तो आज इस तरह के निराधार तथ्यहीन आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वो पहले अपने गिरेबान में जाके तब दूसरों पर आरोप लगाएं, ये मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल प्रदेश का 3 दिवसीय दौरा समाप्त हुआ है। वो 7 तारीख को यही माँ नैना देवी जी के आशीर्वाद लेकर उन्होंने हिमाचल का प्रवास शुरू किया था और यहाँ से बिलासपुर और फिर पिछले कल बिलासपुर से मंडी होते हुए कुल्लू गए थे, जहाँ स्थान स्थान पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बिलासपुर में भव्य अभिनंदन समारोह में उनका स्वागत किया गया और मंडी में भी एक रैली आयोजित करके उन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, अपना मार्गदर्शन दिया है। निश्चित रूप से इससे हिमाचल प्रदेश में कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह आया है और इसका भविष्य में पार्टी को बहुत ही अधिक लाभ होगा। जो लक्ष्य लेकर माननीय नड्डा जी चले हैं कि जो ये विश्व की नंबर एक राजनीतिक पार्टी है इसको और उज्ज्वल बनाना है और उत्कृष्ट बनाना है, महामाई आशीर्वाद दें और वो अपने इस लक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर सफल हों, यही हमारी कामना है।